आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज तक चैनल। पॉलिटिक्स से लेकर जनता की समस्याओं से कराएंगे हम आपको रूबरू। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज तक चैनल। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया लोकसभा के मालदेपुर में बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं अमित शाह की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी से नाराज नारद राय और राम इकबाल सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। वहीं नारद राय ने मंच से लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। नारद राय की सदस्यता दिलाने के बाद अमित शाह को फरसा भेंटकर अभिवादन किया गया। तो वहीं मंच से गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सपा के शासन में बिजली की कड़ी समस्या थी, 3 से 4 घंटे बिजली आती थी, रमजान में पूरी बिजली आती थी, तो वहीं जन्माष्टमी के दिन बिजली नहीं आती थी। कांग्रेस पिछड़ा विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को देने का काम किया है, 4% और 5% तक आरक्षण मुसलमानों को दिया, जब तक भाजपा का एक भी सांसद है तो पिछड़े का आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं अमित शाह। सपा के शासन में बिजली की समस्या थी, 3 घंटा 4 घंटा बिजली आती थी, रमजान में तो पूरी आती थी, जन्माष्टमी के दिन नहीं आती थी। आप भी बताइए, भाजपा सरकार आई और 18 घंटा बिजली लाने का काम हमारे योगी आदित्यनाथ ने किया। भाई कांग्रेस पार्टी है, पिछड़ा विरोधी पार्टी, उन्होंने देश वैधानिक रूप से पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे मुसलमानों को देने का काम किया। उन्होंने कर्नाटक और हैदराबाद में 4% और 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया, धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, जो गैर कानूनी है। मैं बताना चाहता हूं, जब तक भाजपा का एक भी सांसद है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। नहीं, धन्यवाद।